तो हेलो मेरे यारों, जैसे कि आपको पता है न्यू ईयर आ चुका है, तो उसी के साथ आ चुका है इंडियन बाइक ड्राइविंग 3D गेम के अंदर न्यू अपडेट। और मेरे को पता चला है कि एक न्यू कार भी ऐड हुई है और कुछ जेट पैक भी ऐड हुए हैं, जिससे हम इधर से उधर बहुत फास्ट जा सकते हैं। तो चलो ट्राई करते हैं अपने न्यू अपडेट को। तो मैंने कर दिया गेम को प्ले और यहाँ पर हम किसके घर में यहाँ पर स्पॉन हुए हैं भाई साहब। यहाँ पर तो ये हमारा न्यू घर है जो कि अभी अपडेट में आया था, और यहाँ पर तो बस इधर का रास्ता था। थोड़ा बाहर चल के देखते हैं, जिसमें हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है एक न्यू कार खड़ी हुई। और यहाँ पर तो कितना ज़्यादा एरिया यहाँ पर और बड़ा हो चुका है, मतलब कि हमारे घर के पास इतना बड़ा एरिया था भी नहीं पहले। पुराना जो अपडेट आया था उसमें न्यू घर ऐड हुआ था, और ये घर भी बाहर से बिल्कुल यहाँ पर अपग्रेड हो चुका है, मतलब कि बिल्कुल चेंज हो चुका है। तो अंदर चल के देखते हैं गाइस कि क्या क्या नया ऐड हुआ है। और एक सेकेंड, जब मैं लास्ट टाइम आया था तो यहाँ पर बस इधर ही था, मतलब कि इधर तो कोई सीढ़ी थी भी नहीं ऊपर जाने के लिए। तो चल के देखते हैं ऊपर है क्या। यहाँ हाँ, पर हम ऊपर आ चुके हैं। यहाँ पर तो हमारा एक जिम एरिया है, तो ये हमारा जिम का सामान जिसमें हम डंबल अंबल उठा के यहाँ पर बॉडी सॉडी बनाएंगे, लेकिन अभी तक हम यूज नहीं कर पा रहे हैं इसको। तो फिलहाल तो अभी तक हम इसे यूज कर नहीं सकते गाइस, ये अभी देखने के लिए। ये हमारा यहाँ पर की जिम एरिया भी है, और इधर की तरफ अंदर चल के देखते हैं तो यहाँ पर भी कुछ जिम एरिया है। यहाँ पर भी कुछ डंबल रखे हैं, यहाँ पर डंबल का सामान रखा है देख सकते हो। और यहाँ पर देख रहे हो क्या क्या मशीनें रखी हैं। यहाँ पर यह है ट्रेडमिल जिस पे हम बहुत तेजी से दौड़ेंगे यहाँ पर, लेकिन वो अभी तक तो नहीं चल रही है, अगले अपडेट में आ जाए तो चलने लगे। तो गाइस यहाँ पर बहुत ज़्यादा मज़ा आ चुका है। तो गाइस मैं थोड़ा बाहर जाके देखेंगे और क्या क्या न्यू ऐड हुआ है, तो उसके लिए मैं थोड़ा कपड़े चेंज कर लेता हूँ। तो ओके मेरे यारों, कपड़े तो चेंज वेंज हो चुके हैं, अब चलते हैं बाहर एरिया में, मतलब कि बाहर सिटी में घूमने के लिए कि क्या क्या ऐड हुआ है। कुछ न्यू जो कार ऐड हुई है उनको भी तो मेरे को दिखाना है। यहाँ पर आप देख रहे हो कितना ज़्यादा एरिया हमें बाहर भी मिल चुका है। यहाँ पर देख रहे हो कितनी इधर की तरफ, तो मैं बहुत सारी कार अपनी पार्क करूँगा। और यहाँ पर स्विमिंग पूल, और एक सेकेंड गाइस यहाँ पर हम कर पा रहे हैं स्विमिंग, मतलब कि लास्ट जो हमारा पहला घर हुआ करता था उसमें स्विमिंग पूल था, लेकिन वो तो ऐसे बर्फ की तरह जम रहा था पानी, इसमें हम स्विमिंग कर पा रहे हैं। बहुत ज़्यादा मज़ा आ चुका है गाइस, यहाँ पर बहुत ठंडा पानी है तो बाहर निकल जाते, क्योंकि अभी मैं नहा के आया हूँ यहाँ पर, मतलब कि कपड़े चेंज करके आया हूँ। तो चलो गाइस चलते हैं, और यहाँ पर अब मैं आपको दिखाता हूँ जो हमारी एक न्यू कार ऐड हुई है, तो यहाँ पर उसका चीट कोड यहाँ पर डायल कर लेता हूँ मैं। तो अब टाइम आ चुका है अपनी न्यू कार को मंगाने का, तो उसका चीट कोड है 3100 यहाँ पर, जो कि है बुलेरो। यहाँ पर ये आ चुकी है बुलेरो, और एक सेकंड, बुलेरो नहीं है, सुपर बुलेरो है। यहाँ पर देख पा रहे हो यहाँ पर क्या मस्त लग रही है बुलेरो, जो कि यहाँ पर देख सकते हो आप बिल्कुल हमें वाइट कलर में मिलती है, और यहाँ पर बढ़िया लग रही है। एक सेकेंड, उसका कलर वाला भी चेंज करेंगे, लेकिन हम अंदर का इंटीरियर देखते हैं कि क्या क्या अंदर का इंटीरियर है। तो यहाँ पर कुछ और तो ज्यादा नहीं देखने को मिल रहा। यहाँ पर अब आ चुका है इसका टाइम कि इसको हम ब्लैक कलर करते हैं, और ब्लैक कलर में देखेंगे कि कैसी लग रही हो गाइस। यहाँ पर ये बिल्कुल थार की तरह लग रही है, दूर से तो ऐसी लग रही है। तो आओ चलो गाइस अब देखते हैं कुछ और यहाँ पर अपनी सिटी में क्या क्या न्यू ऐड हुआ है। यहाँ पर चलाते हैं अपने यहाँ पर बुलेरो को, जो कि बढ़िया चल रही है। यहाँ पर इतनी फास्ट तो है नहीं ये बुलेरो, और यहाँ पर बढ़िया लग रही है, मतलब कि। तो ओके गाइस, मैंने एयरपोर्ट के एरिया में भी देख लिया, यहाँ पर कुछ और चेंज तो हुआ नहीं है। यहाँ पर ये बस नीचे का ये फ्लैट एरिया यहाँ पर ये चेंज हो चुका है, मतलब कि यहाँ पर ये जो यहाँ चलने का था ना, अरे कहना क्या चाहते हो, कि जमीन बोला जाए तो यहाँ पर जमीन चेंज हो चुकी है। और यहाँ पर ये बुलेरो ब्रेक मारते तो बहुत ऐसे ड्रिफ्ट मार रही है, तो इसको नहीं चलाएंगे गाइस। यहाँ पर कुछ और कार भी तो आई है ना, उनको चलाते हैं, मतलब कि यहाँ पर हम अपनी पहले बाइक से घूमते हैं पूरी सिटी, और घूम के फिर मैं आपको दिखाऊंगा। यहाँ पर बाइक से घूमते अपनी मैंने बुला लिया निंजा H2, लेकिन एक सेकंड गाइस, यहाँ पर निंजा H2 क्यों बुलाई मैंने, मेरे पास तो यहाँ पर जेट पैक है। यहाँ पर जेट पैक से हम पूरी सिटी को घूमेंगे, तो यहाँ पर जेट पैक का चीट कोड है, यहाँ पर देख सकते हो आप, यह है जेट पैक का चीट कोड।
320 जेट पैक का चीट कोड है यहाँ पर, जेट पैक का। ये है हमारा जेट पैक, जो कि अभी ये है बड़ा वाला जेट पैक। अब मैं आपको दिखाऊंगा छोटा जेट पैक, तो उससे पहले यहाँ पर छोटा जेट पैक अब दिखाता हूँ मैं आपको छोटा जेट पैक। तो यहाँ पर 333 और 0 है उसका चीट कोड, यहाँ पर आप देख सकते हो 333 और यहाँ पर 0। तो ये है जेट पैक। और एक सेकंड, यहाँ पर जुबक केसर कैसे हो गया भाई, यहाँ पर ऐसा छोटे मोटे तो ग्लिच चलते रहते, कोई नहीं। अब मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर इस जेट पैक को नहीं चलाएंगे, क्योंकि गाइस जो हमारा फायर ट्रक है ना, वो फायर ट्रक भी हमारा अपग्रेड हो चुका है, मतलब कि उसका थोड़ा कलर वाला चेंज हो चुका है। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर, ये तो आपको पता ही होगा इसका चीट कोड यहाँ पर फायर ट्रक का। तो यहाँ पर आप देख सकते हो फायर ट्रक का हो चुका है यहाँ पर रेड कलर, और यहाँ पर इंडिकेटर भी था ना ऊपर, वो भी चेंज हो चुका है। और यहाँ पर एक सेकेंड, यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है, वो देखते हैं। FD, यहाँ पर FD लिखा है और कुछ आगे नंबर लिखा है, पता नहीं इसका मतलब क्या है गाइस। आपको पता है तो कमेंट करके बताओ, और अपडेट कैसा लग रहा है ये कमेंट में बताओ आप। तो यहाँ पर हम इसको ड्राइव करते हैं, तो कोई फायर वायर तो हम कर नहीं सकते, मतलब कि यहाँ पर फायर ट्रक है तो कुछ आग वाग तो नहीं बुझा सकते या आग जला भी नहीं सकते। तो यहाँ पर तो ओके गाइस, अब देखते हैं हम अपने जेट पैक को चला के। तो मैं चलाऊंगा सबसे पहले ये छोटा जेट पैक, जो कि आप देख सकते हो ये है हमारा छोटा जेट पैक। और यहाँ पर ये कैसे चलेगा, जॉयस्टिक को ओके ऐसे घुमाना है, जॉयस्टिक को हमें यहाँ पर आप देख सकते हो थोड़ा ऐसे एक्सीलेटर देकर जॉयस्टिक को हम घुमाएंगे जिधर की तरफ भी, और ये जो साइड के बटन है इनसे भी हम इधर उधर मूव हो सकते हैं। वैसे तो जॉयस्टिक से बढ़िया मूव हो पा रहा हूँ। तो चलो गाइस अपने घर के आसपास लैंड होते हैं बिल्कुल मस्त तरीके से। तो यस गाइस, लैंडिंग तो हमारी सक्सेसफुली लैंड हो चुके हैं हम बिल्कुल परफेक्टली। और अब देखते हैं हम अपने ओल्ड हाउस को, यहाँ पर देखते हैं कि ओल्ड हाउस में तो कुछ नहीं है। यहाँ पर पहले यहाँ पर ये बाइक हुआ करती, अब वो गाड़ी वहाँ पर हमारे न्यू हाउस में खड़ी रहती है। अब यहाँ पर आप देख सकते हो ओल्ड हाउस में तो वही सब है जो हमारे होता था। और यहाँ पर ग्लास था या नहीं वो मेरे को पता नहीं है, लेकिन यहाँ पर अब ग्लास भी नहीं लग रहा है। अब तो यहाँ पर ऊपर चल के देखते, पहले इधर एरिया में अभी देख ले। तो यहाँ पर देखते हैं ऊपर कुछ चेंज हुआ है कि नहीं। तो यहाँ पर मेरे इस हाउस में तो, ओल्ड हाउस में तो मेरे को कुछ चेंज लगानी है। तो हम अब बुलाते हैं अपने यहाँ पर जेट पैक को, जो कि यहाँ पर सुपर जेट पैक, इसको बुलाते हैं। ये है हमारा बड़ा वाला जेट पैक, और देखते हैं कि ये फास्ट है कि नहीं। यहाँ पर ये उड़ चुका है, और एक सेकंड यहाँ पर एक देखते हैं एक चीज़ यहाँ पर, कि अगर हम इसको यहाँ पर रेस देंगे तो ये सीधा एकदम उड़ जाएगा या नहीं। तो यस गाइस, तो ये एकदम उड़ जाता है। तो अब थोड़ा सिटी घूमते हैं गाइस अपने जेट पैक से, यहाँ पर देखते हैं कि कुछ चेंज वेंस तो नहीं हुआ है ना, यहाँ पर देख लेते। ओके गाइस, यहाँ पर जेट पैक से तो सिटी घूमने में बहुत मज़ा आया। तो अब यहाँ पर रेलवे ट्रैक पर ही इसको लैंड करवा देते हैं अपने जेट पैक को, क्योंकि कभी पता पड़े यहाँ पर ट्रेन व्रेन में भी हमें चेक करना है कि कुछ अपडेट तो नहीं आया। तो यहाँ पर अपडेट तो मेरे को लगा नहीं है कुछ खास की ट्रेन के आसपास कोई अपडेट आया हो। तो गाइस मैं अपने छोटे जेट पैक को ले आया रैंप के पास देखने के लिए कि रैंप पे हम इजीली जा सकते हैं कि नहीं, यहाँ पर ही हम लैंड हो जाते हैं फिलहाल। तो लैंड तो हो चुके हैं यहाँ पर। अब मैं सोचो अबे क्या चल रहा है भाई, कैसे गिर रहा है, मतलब कि क्या हो रहा है तेरे को, नहीं बता नहीं, नहीं मतलब क्या तेरा एलर्जी चली गई क्या। तो गाइस मैंने मंगा लिया हेलीकॉप्टर जेट पैक को चेक करने के लिए कि हेलीकॉप्टर यहाँ पर फास्ट है या जेट पैक। तो यहाँ पर तो हेलीकॉप्टर ही नहीं उड़ पा रहा है, मेरे को लग रहा है कि यहाँ पर हेलीकॉप्टर तो उड़ नहीं पाएगा। तो कोई नहीं गाइस, अब हम बन चुके हैं खतरों के खिलाड़ी, क्योंकि यहाँ पर अब बाइक से हम स्टंट दिखाएंगे। ये मैंने कुदाई अपनी बाइक, और बाइक गिरने वाली है हमारी बिल्डिंग के ऊपर, जो कि इजीली गिर चुका है। अगर गाइस मैं नीचे सही सलामत गिर गया तो आपको लाइक ठोकना होगा। यहाँ पर देखते हैं कि सही सलामत मैं गिरता हूँ कि नहीं। ओ भाई साहब, यहाँ पर सक्सेसफुली मैं लैंड हो चुका हूँ अपनी बाइक के साथ भी। अब मंगाते हैं हम अपने यहाँ पर हेलीकॉप्टर से ट्राई करते हैं। तो अब उड़ा दिया मैंने अपना हेलीकॉप्टर, और हेलीकॉप्टर यहाँ पर मेरे को लग रहा है कि इससे ऊपर जा ही क्यों नहीं रहा, ऐसा क्यों लग रहा है कि इससे ऊपर जा ही नहीं रहा। तो यस गाइस, तो इससे ऊपर तो ये जा नहीं रहा है,
तो हम अब देखते हैं जेट पैक को वो कितना ऊंचा जा पाता है। पहले ट्राई करते हैं हम अपने बड़े जेट पैक से। यहाँ पर ये उड़ा दिया मैंने अपना बड़ा जेट पैक और यहाँ पर देखेंगे कि ये ऊंचा जा पाता है हेलीकॉप्टर से या नहीं। यहाँ पर देखते हैं तो गाइस यहाँ पर ये धीरे धीरे चल तो रहा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और यहाँ पर ये हेलीकॉप्टर रुक चुका था और यहाँ पर मैं फुल स्पीड दे रहा हूँ लेकिन रेस दे रहा हूँ लेकिन ये ऊपर जा ही नहीं रहा, तो हेलीकॉप्टर से तो ये भी ऊपर नहीं जा पाता। अब ट्राई करते हैं हम नेक्स्ट जेट पैक से, तो इसको नीचे लाते हैं। तो ये उड़ा दिया है मैंने अपना छोटा जेट पैक और यहाँ पर ये छोटा जेट पैक ऐसे क्यों लग रहा है कि बड़े जेट पैक से बड़ी फास्ट जा पा रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हो छोटा जेट पैक भी नहीं जा पाता है। तो ओके गाइस इस वीडियो को टाइम आ चुका है यहीं पर एंड करने का। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, ऐसे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट बताना कि आपको ये अपडेट कैसा लगा। मेरे को तो जेट पैक अच्छे लगे दोनों, कहीं पर भी मैं जा सकता हूँ आप फास्ट। और कोई आपके पास मिथ हो इंडियन ड्राइविंग 3D गेम की तो वो हमें कमेंट में बता सकते हैं। हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड जय हिंद एंड बाय।